उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना चलाई है ताकि गरीब परिवारों का सही ढंग से भरण पोषण हो सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के दादूपुर गांव निवासी रेखा देवी सहित कुल 20 लोगों का आज तक समाजवादी पेंशन न बनने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है कि खाने का कोई चीज़ नहीं है, घर द्वार भी नहीं है, आदमी कमा के लाते हैं, सब खुला मैदान रहता है, सब कुकुर बिलारी खा जाते हैं, पैसा कौड़ी की बड़ी दिक्कत है, बाल बच्चे को पालना है, खा के पिया के कुछ नहीं मिल सकता है। पेंशन आपको मिलता है? नहीं। कौन सा पेंशन नहीं मिलता आपको? समाजवादी। प्रधान से कहा, प्रधान से साहब कहा कि हाँ हाँ मिलेगा, मिल के आपकी प्रधानी आने दो, फिर वो दा प्रधानी आने दो, इतना इतना में प्रधानी आते रही जाते रहेगी। यदि समाजवादी पेंशन आपका बन जाएगा तो क्या फायदा होगा? हम कई लोग का ही फायदा हो जाएगा कि बाल बच्चे सबको खाने से जो भूखे प्यासे रहते उनको आराम हो जाएगा। हमको यही समस्या है कि हमको समाजवादी हमका पेंशन मिलना चाहिए। समाजवादी पेंशन आपको नहीं मिलती? क्या दिक्कत होती है? हमका दिक्कत ये होती है कि जो मिलने लागे तो खाने पीने के बूढ़े आदमी हैं, खाने पीने का हमको आराम हो जाए, कपड़ा लत्ता का हमको आराम हो जाए। यही हम चाहते हैं कि हमारे लड़का का दिल जौन है कुछ विकलांग है, वो तो ऐसे कुछ ना कुछ आराम हो जाए। बहुत दिक्कत पड़त ही है कि नहीं मिलता है, प्रधान से कई चक्कर कहा है, प्रधान कोई सुनाई नहीं कर रहा है, तीन तीन दफे प्रधान के लगे गया है तो प्रधान जय कहते हैं कि जाइए अब ना मिलेंगे, बाद में फिक्र आयो। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कौशाम्बी जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी के टेलीफोन नंबर 23-24-71 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर कराई जा सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।